एमपी में हिंदू बने एक शख्स से लड़की ने बोला, हमें नीचा दिखाने के लिए तुम्हें हिंदू बनाया गया है, हमें अब मारा काटा जाएगा, तुम फिर मुसलमान बन जाओ, काफिर में क्यों गए हो? मध्य प्रदेश के मंदसौर में इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वाले शख्स को फिर मुसलमान बनने का ऑफर दिया जा रहा है। उसे कहा जा रहा है कि तुम वापस मोमिन बन जाओ, हर मुसलमान आपके लिए जान देने को तैयार है, आपको हिंदू धर्म में इसलिए शामिल किया गया है ताकि वो मुस्लिमों को नीचा दिखा सके। ये बात बोलने वाले में एक युवती उस शख्स को दोबारा इस्लाम कबूल करने के लिए अल्लाह का वास्ता दे रही है। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में 22 मई को शेख जाफर सनातनी हो गए। बकायदा गोबर और गोमूत्र से स्नान करने के बाद सनातन धर्म अपनाया था। जाफर का नाम बदलकर चेतन सिंह राजपूत हो गया था। उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों से वो राजपूत से मुस्लिम हुए थे, इसलिए दोबारा अब राजपूत ही होना चाहते हैं। मंदसौर के रहने वाले एक शख्स ने मुसलमान धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। अब शेख जाफर शेख पिता गुलाम मोइनुद्दीन शेख को चेतन सिंह राजपूत के नाम से जाना जाएगा। उसकी पत्नी पहले ही हिंदू धर्म से है। शुक्रवार को उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में धर्म प्रवर्तन किया। 46 साल के शेख को महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती द्वारा विधि विधान पूर्वक से पूजन हवन कर हिंदू धर्म की दीक्षा दी गई। इस दौरान उन्हें गोबर और गौमूत्र से स्नान भी कराया गया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने कहा, यह घर वापसी है, मेरा झुकाव हिंदू धर्म की ओर था, इसी वजह से मैं हिंदू धर्म की युवती से शादी की थी। अब तक मैं खुद को अधूरा महसूस कर रहा था, लेकिन अब हिंदू धर्म अपनाने के बाद मैं पूर्ण रूप से हिंदू हो गया हूँ, इससे मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। इस मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी मंदिर पहुंचकर उन्हें घर वापसी की शुभकामनाएं दी। विधायक सिसोदिया तो पूरी प्रक्रिया के दौरान मंदिर में ही रहे। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने कहा, उनकी इच्छा अनुसार आज उन्हें नया नाम देकर उनके घर वापसी की गई है। पूरी विधि विधान से सभी प्रक्रिया निभाई गई है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, वे शुरू से ही भगवान शिव के भक्त हैं, कल तक वे जाफिर शेख थे, अब चेतन के नाम से जाने जाएंगे। नाम के साथ संस्कार और विचार परिवर्तन भी हुआ है, उन्होंने एक नई शुरुआत की है। उस दिन 18 लोगों ने गरीबी की वजह से सनातन धर्म अपनाया था। बाद में चेतन ने बताया कि उन्हें दोबारा इस्लाम में शामिल होने के लिए कई फोन आए थे। चेतन के मुताबिक उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी है। हालांकि मंदसौर SP अनुराग सुजानिया से हमें ये पता चला है कि ऐसी शिकायत सीधे उन तक नहीं पहुंची है। चेतन सिंह ने बताया, उस लड़की ने मुझे अल्लाह का वास्ता दिया, कहा कि भाई आप काफिर के बीच में कैसे जा सकते हो। उन्होंने कहा कि जब मैं तुम लोगों के बीच था तब भी ना तो तुम लोग मुझे शादी ब्याह में ना बुलाते थे ना किसी आयोजन में, तुम उस समय भी मुझे काफिर ही बोलते थे। अब जब मैं पूरी तरह हो गया हूँ तो ऐसे काफिर में हर जन्म में बनने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने फिर दोबारा उससे कहा कि भाई जहन्नुम की आग से डरो। मैंने कहा क्या तुमने जहन्नुम देखी है। मैंने उसकी काफी बातें सुनी, फिर बाद में मैंने उससे फोन उठाना बंद कर दिया। जो लोग उसके पीछे थे मैं उसका नाम जानना चाहता था, जिसके ऊपर मुझे शक था वही नाम सामने आए। चेतन ने कहा, अब मैं पूरी तरह राष्ट्र और सनातन धर्म को समर्पित हूँ, आगे भी संतों के सानिध्य में देश की सेवा करूंगा। आज हिंदू बिखरा हुआ है, जो दौर चल रहा है उसमें संगठित करना ही मेरा अगला लक्ष्य है। चेतन आगे कहते हैं कि मेरी पत्नी हिंदू है, मेरा प्रेम विवाह हुआ है। पत्नी के मन में डर है कि जिन लोगों को मैं छोड़ आया हूँ वे हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, यही वजह है कि मेरी पत्नी सामने नहीं आना चाहती। मेरी पत्नी के रिश्तेदारों ने भी मेरे फैसले का स्वागत किया है, बुरा सिर्फ उन्हें लगा है जिन्हें मैं छोड़कर आया हूँ, उन्हें बुरा लगना स्वाभाविक है। चेतन ने युवती से बात का कुछ अंश भी हमारे सम्मुख रखा। युवती फोन में बोलती है, मैंने सबसे बातें कर ली है, तुम बोलो कब मिलवाऊं। शहर काजी से बात कर ली है, मुस्लिम महासभा अंजुमन युवाओं से सबसे बात कर ली है। चेतन बोलते हैं, मैं वापस कैसे आ सकता हूँ, जीना हराम हो जाएगा मेरा। फिर युवती बोलती है, जीना तो वैसे ही हराम हो रखा है, शक की नजर से देखा जा रहा है, बहुत सुना मेरे चांद की ये राज लेने आए हैं। फिर चेतन बोलते हैं, कौन देख रहा है शक की नजर से। फिर युवती बोलती है, बहुत देख रहे हैं कि ये राज लेने आया है, आप तो अपने मजहब में लौट आइए, जन्नती बन जाओ, अल्लाह को पसंद किया है, अब अल्लाह को बहुत प्यारे हो, तभी तो आपको नहीं जाने देंगे, अल्लाह पाक है, तुम डरो मत, ये लोग सब मौका परस्त है, इनको कुछ नहीं, अभी तो ये हिंदू मुसलमान चल रहा है, इस वजह से इन्होंने आपको तवज्जो दी है ताकि हमें नीचा दिखाया जा सके। तुम्हें मम्मी पापा की कसम, तुम एक बार मुझसे मिल लो, ज्यादा दिन हो जाएंगे तो लौटना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको कई बातें बताना चाहती हूँ, मुझे पता है कि सबसे सच्चा मजहब इस्लाम ही है, इसलिए आपको वापस लाना चाहती हूँ। ये जो लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं ये बाद में नहीं पूछने वाले हैं, मुझे पता है कि ये कौन है, हम लोगों को चुन चुन कर मारा जाएगा, आप वापस इस्लाम में आ जाओ। इसी के साथ हम आज की खबर को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।